हमारी रेसिपी है वो है दही बड़े। हम इनको दही भल्ले भी बोलते हैं। ये चाट के अंदर आती है, खाने में बहुत ही अच्छी होती है। आप बच्चे बड़े सब इसको खा सकते हैं। आइए देखते हैं हम ये जो वड़े हैं वो कैसे बनाते हैं। वड़े के लिए हमने इसमें उड़द दाल का इस्तेमाल किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्वागत है आपका रुखसाना खान किचन में। आज हम बनाएंगे दही वड़े। दही वड़े बनाने के लिए हमने ये जो उड़द दाल आती है वो ले ली है। ये बिना छिलके की जो दाल है वो ली है हमने, उड़द वाली। इसको हमने ओवरनाइट भिगो के छोड़ दिया था पानी के अंदर। ये दाल का पानी हमने सारा निकाल दिया है। अब हम इसको एक मिक्सी के जार के अंदर डाल के इसको स्लोली स्लोली ग्राइंड करेंगे। इसके अंदर हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है। इस पूरी दाल के अंदर हम 1/4 कप के करीब वाटर ऐड करेंगे इसको पीसने के लिए। मिक्सी के जार के अंदर ये डाल लिए है दाल। अब इसके अंदर हम ये 1/4 कप के करीब जो पानी है ये इसमें हम धीरे धीरे करके इसको पीसते हुए इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इस दाल को हमें सूजी के दाने की जैसे दरदरी रखनी है। ये देखिए दाल को हमने ये पीस के तैयार कर लिया है। इसमें सूजी के जैसे ये थोड़े कण हमने रखे हैं। अब हम इसको एक बोल के अंदर निकाल के इसको फेटेंगे। ये दाल को हमने अच्छे से मिक्सी के अंदर पीस लिया था। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसको एक साइड ऐसे चलाते हुए इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इस दाल के अंदर हमें अच्छे से एयर डालनी है ताकि जो हमारे बड़े हैं वो एकदम फूले फूले बने। तो ये वाला जो स्टेप है दही बड़े बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको दाल को अच्छे से फेंटना है। दाल को हमने अच्छे से फेंट के रेडी कर लिया है। एकदम चिकनी और फूली फूली सी हो गई है। अब हम इसके अंदर ये 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। आप चाहें तो इसके अंदर आप अदरक भी काट के डाल सकते हैं, हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं, बट मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें खाली नमक ही डालूंगी। ये जो हमारा बड़े का जो घोल है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम एक बोल के अंदर ये पानी ले लेंगे। ये हाथ गीला करके हम छोटे छोटे पोर्शंस ऐसे बनाएंगे इस वड़े से और इनको तेल के अंदर फ्राई करेंगे। हमने तेल थोड़ा गर्म कर लिया है। हम एक एक करके ये वड़े उसके अंदर ऐड करेंगे। जब हमारा वड़ा फ्राई हो जाएगा तो हमने ये एक पॉट के अंदर साथ साथ में ठंडा पानी ले लिया है। हम फ्राई करने के बाद ये वड़ों को इस पानी के अंदर डालेंगे। देखिए हमने ऑयल ले लिया है। यहाँ पे ऑयल के अंदर हम अभी ये जो वड़ा है वो थोड़ा सा ये जो जो घोल है इसको डाल के देखेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हाथ गीला करके हम ये वड़े के जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं ये छोटे छोटे पोर्शंस को ऐसे राउंड करके हम ये ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। हाथ पे पानी लगाने से ये जो दाल है ये आपके हाथ पे चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। और आप ऐसे करके वड़े इसके अंदर ऐड करते जाइए। इन वड़ों को हम मीडियम फ्लेम के अंदर फ्राई करेंगे ताकि ये हमारे अच्छे क्रिस्पी और अंदर से अच्छे से सिक जाए। धीरे धीरे करके सारे वड़े हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए वड़ा हमारा तेल में अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये सारे देखिए फूल के ऊपर आ गए हैं। अगर आप दही वड़ों को वड़े को अगर आप अच्छे से फेंटेंगे इसके पेस्ट को तो ये बहुत ही अच्छे फूल के बनते हैं, फूले फूले से बनेंगे ये। हम इनको ऐसे ही मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाते रहेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। इनको हाई फ्लेम पे हम नहीं तलेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे जब हम इनको निकाल लेंगे तेल से। जब तक हमारे बड़े फ्राई हो रहे हैं हम इसका दही रेडी कर लेते हैं। देखिए दही बड़े के लिए हमने ये यहाँ पे 1/2 किलो के करीब दही ले लिया है। इसको हमें अच्छे से फैटना है। दही हमें एकदम स्मूथ चाहिए वड़े के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका दही थोड़ा खट्टा है तो आप उसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो वैसे भी इस दही वड़े के जो मिक्सचर जो दही है आप इसके अंदर ये 1/4 कप के करीब ये दूध ऐड कर दीजिए। ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा दूध डालने से, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। हम ये खट्टा मीठा जो दही है वो तैयार करेंगे वड़े के लिए। देखिए जो वड़ा है हमारा अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हमने ये जो एक पॉट के अंदर ठंडा पानी लिया था इस ठंडे पानी के अंदर हम ये जो वड़े हैं इनको हम डालेंगे। ये देखिए अच्छे से हो गए हैं। वड़ों को हम निकाल के जो हमने ठंडा पानी जो लिया था ये उसके अंदर डाल देंगे करके जो जो वड़े हैं हम सारे जो जो अपने वड़े का जो घोल बनाया है उससे सारे वड़े फ्राई करके
निकाल लेंगे। देखिए दही हमने अच्छे से फेंट लिया है, अब हम इसके अंदर ये 1 टीस्पून 1½ टीस्पून के करीब इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ये 3 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। इसको हमें खट्टा मीठा बनाना है, डाल के हम दही के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा दही भी रेडी हो गया है और हमारे वड़े भी बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट के अंदर लगाएंगे। ये जो वड़ा है ये हमारा अच्छे से पानी में फूल के तैयार हो गया है। अब हम इनको हाथ से थोड़ा अच्छे से ऐसे प्रेस करके एक एक करके प्लेट के अंदर लगा लेंगे। ये जो वड़ा है हमने इसको प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से सजा लेंगे, चाट की तरह बनाएंगे इसको खाने के लिए। हम इसके ऊपर ये दही डाल देंगे अच्छे से। दही भी हमारा बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, दही का खट्टा मीठा दही बनाया है हमने इसके लिए। दही डालने के बाद में हम इसके ऊपर ये डालेंगे इमली की चटनी। चटनी से इसके ऊपर बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ये रोस्टेड जीरा पाउडर। जीरे को हमने पैन में भून के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें डाल दीजिए। हमने इसमें मिर्ची का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, इसलिए हम ये थोड़ा सा इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये हमारे दही वड़े बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।